नमस्कार, एडीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। खबरों में आज बात करेंगे अलीनगर को दरभंगा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क निर्माण कार्य की। अलीनगर को दरभंगा से जोड़ने वाली सड़क काफी खंडहर और जर्जर हालत में थी। बरसों से अलीनगर प्रखंड के निवासी इस खंडहर रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे और काफी परेशानी और दुश्वारियों का सामना कर रहे थे। अलीनगर प्रखंड से इस सड़क को बनाने के लिए बहुत पहले प्रोजेक्ट को पास कर दिया गया था, लेकिन इस सड़क निर्माण कार्य में काफ़ी बाधाएं आईं। उन सारी बाधाओं और दुश्वारियों के बावजूद आज इन दिनों अलीनगर रोड का बरसों से खंडर बनी अलीनगर को आशापुर से जोड़ने वाली इस सड़क का निर्माण कार्य इन दिनों काफी युद्ध स्तर पे हो रहा है। ये सड़क काफी दिनों से जर्जर हालत में थी और यहाँ के निवासियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। गौरतलब है कि इस सड़क का निर्माण कार्य काफी सालों पहले हो जाना चाहिए था। इसका बजट और इसका स्कीम बहुत साल पहले पास हो गया था, लेकिन किसी दुश्वारी के वजह से ये काम रुका हुआ था और अलीनगर निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब ये सड़क काफी युद्ध स्तर पे बन रहा है। अलीनगर चौक से जफर साजिद की ये रिपोर्ट। एक ताजा खबर आई है छपड़ा से। छपड़ा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 200 के पार हो गई। हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार अपोजिशन के सवालों के घेरे में हैं। पटना में नए डीजीपी ने चार्ज लिया है, पुराने डीजीपी का तबादला कर दिया गया है। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए एडीबी न्यूज़।